ओके okay, नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यस ऑफिसर्स के पेड प्लेटफॉर्म में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम दुर्गेश कुमार शर्मा है और यहाँ पर आरआरबी पीओ और आरआरबी मेंस में आने वाले हिंदी का जो पोर्शन है, हिंदी का जो वेटेज है, उनको मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। तो आई होप आप सभी ने इसके पहले के लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया होगा, जो मैंने मुहावरा पढ़ाया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लोकोक्तियां और लोकोक्तियों के साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिस भी कराता जाऊंगा। पहले टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर काफी एक प्रैक्टिस सेशन रख लेंगे जिसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा सेशन में ये बताऊंगा किस प्रकार से आरआरबी पीओ और आरआरबी मेंस जो क्लर्क मेंस है उसमें किस प्रकार के हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं और हमें उनको किस प्रकार से टैकल करना है, उन सभी चीजों को हम अलग से सीखेंगे। सो आज की क्लास में हम पर शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है लोकोक्तियां, क्या होता है लोकोक्तियां, किस प्रकार से ये काम करता है, किस प्रकार से ये हमारे लिए हेल्पफुल है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहला पॉइंट, लोकोक्तियां क्या होती हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या है लोकोक्तियां, किस प्रकार से काम करता है, फिर कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों के बारे में भी हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए। तो सबसे पहला लिखा है यहां पे कि लोकोक्तियों के बारे में क्या लिखा है कि लोकोक्ति किसी दृष्टांत। अच्छा, दृष्टांत का मतलब क्या होता है? दृष्टांत का जो मतलब होता है वो होता है उदाहरण। दृष्टांत शब्द का मतलब होता है उदाहरण। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी दृष्टांत हो, कोई घटना हो, कोई परिस्थिति पर आधारित कथन होता है। लोकोक्ति जो है ये काफी प्राचीन है, काफी रूढ़िवादिता, मतलब काफी रूढ़ है, काफी पौराणिक बातें हैं। और लोकोक्ति समझ लीजिए लोगों का अपना एक अनुभव है, लोगों के जीवन में घटित एक घटना है जिसे उन्होंने आम जनमानस को क्या किया, शेयर किया, आम जनमानस के साथ साझा किया, ताकि आम जनमानस उस गलती को ना दोहरा सके या जिस व्यक्ति के साथ कोई घटना हुआ दूसरे व्यक्ति के साथ ना हो सके, वो सारी की सारी चीजों को आज वर्तमान परिदृश्य में लोकोक्ति कह दिया गया। आज वर्तमान परिदृश्य में क्या कर दिया गया, लोकोक्ति कह दिया गया। और उस लोकोक्ति का जो प्रयोग है आज हम किस रूप में करते हैं, अब आज हम उदाहरण के रूप में करते हैं, किसी घटना के रूप में करते हैं, उदाहरण के रूप में करते हैं, किसी घटना के रूप में करते हैं, या परिस्थिति के रूप में भी हम इसका प्रयोग कहीं ना कहीं करते हुए मिलते हैं, इसका प्रयोग हम कहीं ना कहीं करते हुए मिलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकोक्ति जो होता है एक उदाहरण होता है, लोकोक्ति जो होता है एक कथन होता है, लोकोक्ति जो होता है एक आपका घटना होता है, लोकोक्ति जो होता है वो आपका एक परिस्थिति पर आधारित एक कथन होता है। जैसा देश वैसा भेष वाली बात, एक लोकोक्ति ये भी है कि जैसा देश वैसा भेष। हम बोलते हैं ना कि हर जिस देश में जाओ उस वहां की वेशभूषा अपना लेनी चाहिए, क्योंकि गांव से बड़ी बारात नहीं होती है। बोलते हैं ना कि भैया उस व्यक्ति से पंगा मत लो क्योंकि उसका जो समूह है वो बहुत बड़ा है, और गांव से बड़ी बारात नहीं होती, ये भी एक लोकोक्ति है। तो जहां पर भीड़ दिखे उस जगह पे हमें अपने आप को बाहुबल सिद्ध नहीं करना कि हाँ भैया मैं तो वो अल्लू अर्जुन झुकेगा नहीं वाला कॉन्सेप्ट है, तो ऐसा कभी नहीं चलता। वो सिर्फ मूवीज में, रील में होता है, रियल में कोई लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहां पर दूसरा पॉइंट निकल कर आता है कि लोकोक्तियां जो है वह सामाजिक नीति और आदर्श स्थापित करने का माध्यम बनती हैं। यानी कि जो भी सामाजिक नीतियां, जितने भी सोशल पॉलिसीज हैं, जितने भी सोशल आइडियोलॉजी है, जितने भी सोशल आइडियोलॉजी है, वो सभी में कहीं ना कहीं लोकोक्तियां क्या करता है, माध्यम बनता है एक अच्छे सामाजिक, एक अच्छे सोशल स्टेटस के लिए, एक अच्छे सोशल पॉलिसी के लिए। लोकोक्ति का होना बहुत जरूरी है। आम जिंदगी में हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं, जो भी वक्तव्यवाणी से हम बोल रहे होते हैं, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं लोकोक्ति का ही हम प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। अब सर क्या मुहावरा भी ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। मुहावरा बिल्कुल डिफरेंस होता है लोकोक्ति से। मुहावरा अपने में पूर्ण नहीं होता है, परंतु लोकोक्ति अपने में पूर्ण होता है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, वो हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमने यहां पर कहा सीधे सरल शब्दों में कि जो लोकोक्ति है वह सामाजिक नीति और आदर्श स्थापित करने का एक माध्यम बनती जा रही है। साथ ही साथ मैंने कहा कि जो लोकोक्तियां हैं, लोकोक्तियों को सूक्ति या सुभाषित भी कहा जाता है। सूक्ति का मतलब क्या होता है, अगर इसे तोड़ा जाए, ये निकलेगा सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति। उक्ति का मतलब होता है कहावत, उक्ति शब्द का मतलब होता है कहावतें, और सु का मतलब होता है अच्छा, जो कहावतें अच्छी हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सूक्ति कहते हैं। अच्छा, लोकोक्ति
शक्तियां को भी अगर तोड़ के देखा जाए, ये कुछ ऐसा विग्रह होगा, ये निकलेगा लोक प्लस उक्तियां, ऐसे निकलेगा। अगर इसका विग्रह किया जाए तो क्या निकलेगा, लोक प्लस उक्तियां निकलेगा। और यहां पर उक्तियां का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर उक्तियों का मतलब हो जाएगा कहावती, उक्तियों का मतलब हो जाएगा कहावती, और लोक का मतलब हो जाएगा लोग, लोगों के मध्य जो कहावतें प्रचलित हो गई कभी ना कभी परिस्थितियों के अनुरूप या किसी कथन के अनुरूप, या कोई व्यक्ति ने अपना अनुभव शेयर कर दिया, किसी व्यक्ति के साथ कोई चीज घटित हुई, वही सारी चीजें आज कहावतों को ही हम एक शब्द में आम जनमानस के मध्य ये वैचारिक रूप से क्या हो रहा है इसका प्रचलन देखने को मिलता है। हम जाने और अनजाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सुबह से शाम तक, सुबह से रात तक हम किसी ना किसी लोकोक्ति का प्रयोग कर ही देते हैं, अगर हम अच्छे वक्तव्य हैं तो। मैंने कंडीशन कहा है, कंडीशनल है, अगर हम अच्छे वक्तव्य हैं तो, अगर मुझे बहुत अच्छी हिंदी बोलनी आती है देन आई कैन यूज वेरी मच, ठीक है, मैं इसका चीज को क्या कर सकता हूं, बहुत अच्छे से यूज कर सकता हूं। फिर क्या कहता है, लोकोक्ति के लिए कहा गया कि दूसरे शब्दों में जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत कर दिया जाए, यानी कि उसमें मोल्ड कर दिया जाए, उसमें फिक्स कर दिया जाए, तो क्या कहा गया कि दूसरे शब्दों में जब कोई पूरा कथन, एक बात याद रखिएगा, लोकोक्ति स्वयं में पूर्ण होती है, तो यही कह रहा है कि जब कोई पूरा कथन प्रसंग विशेष पे, प्रसंग विशेष का मतलब कि उस समय की परिस्थिति कैसी है, प्रसंग विशेष की बात करें कि उस समय की परिस्थिति कैसी है, तो मैं आपसे कह सकता हूं परिस्थिति अनुसार, मैं क्या कह सकता हूं कि जो परिस्थिति के अनुसार काम करेगा, परिस्थितियों के जो अनुरूप कार्य करेगा, वही चीज उस समय जो एक पूरा कथन व्यक्ति बोलता है, जब पूरा कथन अपने वाक्यों के साथ कहीं ना कहीं फिट कर देता है, कहीं ना कहीं उसमें दबावपूर्ण बोल देता है, वही चीजें क्या कहलाती हैं, लोकोक्ति कहलाती है। अच्छा, लोकोक्ति को हम कहावतें भी कहते हैं, और आपको बहुत अच्छे से विदित होगा कि हम मुहावरे को भी कहावतें कहते हैं, मुहावरे को भी हम क्या कहते हैं, कहावतें कहते हैं, लेकिन मूलतः है, लोकोक्ति को ही कहावत कहा गया है, लोकोक्ति को ही कहावत समझा जाता है, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है कि अगला पॉइंट कि किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले वाक्य को भी हम क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। कभी ना कभी किसी घटना घटित हुई होगी तो उस घटना को ही हम जो वाक्य कहते हैं वही वाक्य लोकोक्ति कहलाता है। जैसे हमने कहा कि ऊंची दुकान फीके पकवान, जैसे मैंने कहा ऊंची दुकान फीके पकवान, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसी घटना घटित हुई होगी कि हमने देखा होगा, यार बोले भैया यार आपके यहाँ आए, आपका नाम मैंने बहुत सुना था, है ना, लेकिन जैसा सुना था वैसा हमको मिला नहीं, तो लोगों ने क्या कह दिया, ऊंची दुकान और फीके पकवान। तो ये बातें जो है ये किसी ना किसी स्थान पर कभी ना कभी घटित हुआ होगा परिस्थितियों के अनुसार, उसी को हम आज लोकोक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जब कोई पूरा कथन किसी विशेष प्रसंग में, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, ये मैंने पहले ही स्लाइड में डन कर दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि लोकोक्ति शब्द जो है ये दो भाग से मिलकर बना है, लोकधन उक्ति, ये मैंने अभी पढ़ाया कि किससे भाग से मिलकर बना है, दो भाग से, लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना हुआ है कि नहीं, बिल्कुल बना हुआ है। हमने यहां पर कहा कि ये लोकोक्ति है क्या, अर्थात ऐसी उक्ति जो किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करती है उसे ही लोकोक्ति कहा जाता है। लोकोक्ति को कहावत, लोकोक्ति को सूक्ति, लोकोक्ति को आदि नामों से जाना जाता है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई साहब किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष परिस्थितियों में जब किसी एक क्षेत्र की ओर इंगित किया जा रहा हो
मैंने कहा कि भाई उस व्यक्ति को देख रहा, उसका तो हाल ऊंची दुकान फीके पकवान वाला, उसके उसके आडंबर पे मत आओ, उसको देख के मत समझो सब फीके पकवान है दोस्त, कुछ भी नहीं है, अंदर सब डब्बा पोल है, समझ में आए? ये वो वाली बात है। तो ये वो कहलाता है कि जब किसी विशेष क्षेत्र या किसी विशेष अर्थ की ओर मुझे इंगित क्या करना पड़ता हो, सांकेत देना हो, किसी भाव को प्रकट करना हो, किसी चीज की ओर इंगित करना हो, वही क्या कहलाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। अब बात ये निकल कर आता है, लोकोक्ति तो इतना ही था, अब डिफरेंस आता है कि लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या है, क्या है डिफरेंस, इनके डिफरेंस में हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या अंतर पाया जाता है एक मुहावरे और एक लोकोक्ति में, किस प्रकार से डिफरेंस देखने को हमें आपको मिलता है। अब इसको देखते हैं कि क्या है आपका मुहावरे और क्या है आपका लोकोक्तियां। चलिए आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं। जैसा यहां पर लिखा, सबसे पहला कि मुहावरे वाक्यांश होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं होते, यानी कि इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता है। हमने कहा ये वाक्यांश होता है, वाक्यांश का मतलब क्या होता है कि वाक्यांश होता है वो एक प्रकार से वाक्य का अंश होता है जिसका स्वतंत्र प्रयोग हम नहीं करते हैं। अब ये वाक्यांश अगर पूछा जाए तो वाक्यांश एक उपवाक्य के रूप में जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में आप क्लॉज कहते हो, एक पदबंध के रूप में जाना जाता है, जिसे हम इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं, नाउन फ्रेज होता है। जैसे इंग्लिश में 5 प्रकार के फ्रेज पढ़ते हैं, 3 प्रकार के क्लॉज पढ़ते हैं, हिंदी में भी यही चलता है, 5 प्रकार के पदबंध चलते हैं, 3 प्रकार के उपवाक चलते हैं। कभी समय लगा तो मैं उससे भी आपको क्या करूंगा, पढ़ा दूंगा। तो मैंने कहा कि मुहावरा एक प्रकार का वाक्यांश होता है, लेकिन लेकिन लोकोक्ति क्या होता है, लोकोक्ति अपने में पूर्ण वाक्य होता है। लोकोक्ति क्या होता है, ये अपने में पूर्ण वाक्य होता है, इसमें इसमें कुछ घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। यानी कि जो लोकोक्ति कह दी गई है उसमें हम बढ़ा और घटा नहीं सकते, यानी कि उसमें ना तो लिंग, ना तो वचन, ना तो कारक, ना तो काल, ना तो पुरुष, किसी भी तरीके से हम बदलाव नहीं कर सकते। जो लिखा है सो लिखा है, लिखा है भाषा में प्रयोग की, भाषा में भाषा में प्रयोग की दृष्टि से, भाषा में प्रयोग की दृष्टि से विद्यमान रहती है। यानी कि भाषा में हमेशा उसको हम क्या करते हैं, प्रयोग के रूप में ही कहीं ना कहीं लोकोक्ति को बोलते रहते हैं, कहीं ना कहीं लोकोक्ति पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जो भी हम देखते हैं। जैसे मैंने कहा था कि मुहावरा जो होता है वो रंगीन बनाता किसी चीज को, मुहावरा जो होता है वो हमारी चित्रात्मकता शैली को बढ़ाता है, मुहावरा जो होता है ये वक्तव्यता को बढ़ाता है। ठीक उसी प्रकार से लोकोक्ति भी होता है, एक अच्छा वक्ता मुहावरा लोकोक्तियों का प्रयोग कुछ इस प्रकार से करता है, जैसे कि वो थाली में रखा व्यंजन हो जिसे वो बड़े चाव से एक एक बाइट खाते हुए आनंदित होता रहता है, ठीक वैसे ही एक वक्ता लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग भी ऐसे ही करता हुआ हमें मिलता है, करता हुआ मिलता है, देखता हुआ मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें, जैसे कहा अपना उल्लू सीधा करना, कलम तोड़ना आदि, जब वाक्य में इनका प्रयोग होता है तब ये संरचनागत पूर्णतः प्राप्त करती। मैंने आपसे कहा कि इनका इनका कोई भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं है, किसी भी मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं है, ये हमेशा किसी न किसी वाक्य के साथ आएंगे, और जब ये किसी वाक्य के साथ प्रयोग होते हैं, जब किसी न किसी वाक्य के साथ प्रयुक्त होते हैं, तब इनका संरचनागत पूर्णतः निकल कर आता, तब इनका अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आता है, किसका, मुहावरे का। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लिखा है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, भाई कंप्लीट है, ये वाक्य ही है। कहां भैया 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अब क्या हुआ, जब तक पैसा था तब तक भैया ऐसे घूम रहे थे, अब पैसा नहीं तो ऐसे हो गए, ये क्या है, ये भैया 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है ना, 4 दिन की क्या है आपकी यहाँ पर अमीरी है, जिसको अपन बहुत सरल शब्दों में कहा जाए तो सरल शब्दों में हम ये भी कह देते हैं कि जीने के है 4 दिन और फिर बाकी है दिन, है ना, समझ गए होंगे आप सभी। आइए आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर क्या लिखा है कि मुहावरे लोकोक्ति में डिफरेंस की बात करेंगे, तो मुहावरे लोकोक्ति में क्या डिफरेंस आता है, तो उस मुहावरे लोकोक्ति में
आगे बढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि मुहावरे में लिंग वचन क्रिया के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि मुहावरे में हम लिंग वचन क्रिया काल पुरुष बदल लेते हैं जैसा प्रयोग किया जाए मुहावरे का। जिस वाक्य में उस मुहावरे का प्रयोग किया गया है उसके अनुरूप हम मुहावरे को बदलते रहते हैं, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करते रहते हैं। जैसे आंख दिखाना, आंख मूंदना, वहीं पे आंखें मारना, हम कर सकते हैं। प्रयोग के आधार पर हम उसको क्या कर सकते हैं, लिंग में बदलाव कर सकते हैं, उसके वचन में बदलाव कर सकते हैं, उसके क्रिया में बदलाव कर सकते हैं, किसके, मुहावरे के। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं लोकोक्तियों की, आपसे बात करूं मैं तो लोकोक्तियों की, अगर मैं आपसे बात करूं तो लोकोक्तियों में मैं कहीं पर भी किसी भी तरीके से बदलाव नहीं कर सकता, मैं कहीं पर भी किसी भी तरीके से बदलाव नहीं कर सकता हूं। अब बदलाव नहीं कर सकता हूं इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि लोकोक्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ना तो लोकोक्ति जो है लिंग से बदली जा सकती है, ना वचन से बदली जा सकती है, ना कारक से बदली जा सकती है, ना काल से बदली जा सकती है, ना आपका पुरुष से बदला जा सकता है। कहीं से भी किसी भी रूप में आप चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज टू द लोकोक्ति, हम लोकोक्ति कभी भी बदल नहीं सकते हैं, ये ऐसा कहता है। फिर यहाँ पे कहते हैं कि मुहावरा वाक्य का अंश होता है। ऑब्वियस सी बात है, वाक्य का अंश क्यों होता है, क्योंकि ये वाक्यांश होता है। मुहावरा जो है ये एक वाक्यांश है, और वाक्यांश होने की वजह से इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से टूट कर निकलेगा, वाक्य धन अंश। क्योंकि ये वाक्य नहीं है, वाक्य का क्या है, अंश है। यहां पर कहना उचित होगा, गलत तो नहीं होगा। मैंने कहा यहां पर कि मुहावरा वाक्य का अंश होता है, इसलिए उनका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है, उनका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत ही संभव है। ये सारी बातें भी मैंने आपको पहले ही समझा दी है, ये सारी बात मैंने जब मुहावरा पढ़ाया था तब भी समझा दिया था। अरे गुरुदेव ये तो बिल्कुल हम समझ गए। लेकिन लोकोक्ति क्या होता है, लोकोक्ति एक पूरा वाक्य होता है, लोकोक्ति क्या होता है, एक पूरा वाक्य होता है, इसलिए इसका स्वतंत्र प्रयोग हम कर सकते हैं। क्योंकि वाक्य है, वाक्य का मतलब ही क्या, जो स्वतंत्र रूप से बोला पढ़ा और लिखा जाए वही तो वाक्य है, जो स्वतंत्र रूप से बोला पढ़ा और लिखा जाए वही तो वाक्य है। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। ये सारी चीजें तो यहां पर निकल कर आ जाता है, बिल्कुल निकल कर आ जाता है गुरुदेव। अच्छा, मुहावरा जो होता है वह लाक्षणिक होता है, मुहावरा जो होता है वह व्यंजनाजन होता है। यानी कि मुहावरे का प्रयोग हम किसी के लक्षण को बताने के लिए भी कर सकते हैं और किसी को व्यंग्य मारने के लिए भी कर सकते हैं। मुहावरे का प्रयोग हम किसी को लक्षण बताने के लिए भी कर सकते हैं और किसी को व्यंग मारने के लिए भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, अरे हाँ जी गुरुदेव कर सकते हैं। वही से ही लोकोक्ति का भी प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, किसी का लक्षण बताने के लिए कर सकते हैं और किसी को व्यंग्यात्मक रूप में भी कर सकते हैं। कोई भी गलत नहीं है। लोकोक्ति का प्रयोग भी हम लाक्षणिक और व्यंजनात्मक रूप से प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करते हैं और कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बहुत फेमस एग्जांपल है, जैसे मैंने आप कहा कि आपका हाल तो अधजल गगरी छलका जाए वाला बात कर रहे हो आप यार, मतलब क्या हुआ, अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, ये वही वाली बात तो कह रहा है यहाँ पे। फिर कहता है कि वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद मुहावरों के रूप में लिंग वचन काल आदि व्याकरणिक कोटियों के कारण परिवर्तन होता है। जैसे मैंने आपसे कहा आंख मूंद लिया मैंने कहा आंख दिखाना, साउथ में आंख दिखाने के लिए जीभ मोड़ लेते हैं रत्कला वाला, तो वहां पे क्या है, आंख मूंदना, आंख दिखाना एक वचन है। यहां पे पढ़ो, आंखें पथरा जाना, आंखें क्या हो गया, बदल गया ना वचन, बहुवचन हो गया कि नहीं, आंख दिखाना, आंखें मूंदना, आंखें पथरा जाना, ये क्या हो गया, हम बदल सकते हैं लेकिन लोकोक्तियों में प्रयोग के बाद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ना लोकोक्तियों जब हम प्रयोग करते हैं उसमें किसी भी तरीके से हम परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, क्या लिखा है, अधजल गगरी छलकत जाए लिखा हुआ है, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, बदलाव नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता है। ठीक, इसी प्रकार से यहां पर आता है एक पड़ाव, इस पड़ाव को भी पढ़ लेते हैं।
एक पढ़ाओ, एक पढ़ाओ। यहां पर भी आता, क्या आता है कि मुहावरों का अंत प्रायः, मुहावरों का अंत प्रायः, मुहावरों का अंत प्रायः ना युक्त क्रियाओं के साथ होता है। मैंने आपको सरलता समझाया था कि सभी मुहावरे का, सभी मुहावरों का जो अंत होता है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अंतिम, अंतिम में ना प्रत्यय लगा होता है। हम क्या कह सकते हैं कि मुहावरों के अंतिम में क्या लगा होता है, ना प्रत्यय लगा होता है। ये इसकी सबसे मजेदार पहचान है, मुहावरे और लोकोक्तियों में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार डिफरेंस में से एक है। और जैसे लिखा है हवा हो जाना, देखो यहां पे ना मिल रहा है ना, होश उड़ जाना, देखो यहां पर ना मिल रहा है। हमने कहा सिर पर चढ़ना, ना मिल रहा है। हाथ फैलाना, ना मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो मुहावरे में सबसे मजेदार बात क्या होता है कि इसके अंत में ना आपको देखने को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मिल जाता है। लेकिन वहीं पे मैं आपसे बात करूं कि लोकोक्तियों के लिए, लोकोक्तियों के लिए यह शर्त जरूरी नहीं है। क्या कहता है कि लोकोक्तियों के लिए यह शर्त जरूरी नहीं है। अब यह शर्त जरूरी नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, लोकोक्तियां स्वतः पूर्ण वाक्य है। लोकोक्तियां जो है वह स्वतः पूर्ण वाक्य है, अतः उनका अंत क्रिया के किसी भी रूप से हो सकता है। यानी कि सिर्फ क्रिया आ जाए उसमें, जरूरी नहीं है कि ना प्रत्यय आए। ना प्रत्यय आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन मुहावरे में 100% ना प्रत्यय पाया जाता है। लोकोक्ति में जरूरी नहीं, हाँ लेकिन इसका अंत क्रिया से जरूर होता है। इसका अंत क्रिया जरूर होता है, किसका, लोकोक्ति का, क्योंकि वाक्य है, वाक्य का अंत हमेशा क्रिया से ही होगा। ये वो बात है जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, या अंधी पीसे कुत्ता खाए, या आ बैल मुझे मार, या इस हाथ दे उस हाथ ले, अकेली मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। सारी की सारी चीजें क्या है, ये सभी के सभी चीजें लोकोक्तियां ही है, सभी के सभी चीजें क्या है, लोकोक्तियां ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला अंतर जो आता है, अगला जो डिफरेंस निकल कर आएगा, वो निकल कर आता है कि मुहावरे किसी स्थिति या क्रिया की ओर संकेत करते हैं। मुहावरे जो है वो किसी स्थिति या क्रिया की ओर संकेत करते हैं। अब किसी स्थिति या क्रिया की ओर संकेत करने का मतलब है, जैसे मैंने लिखा हाथ मलना, हाथ मलना का मतलब क्या है कि कुछ भी ना मिलना। हाथ मलना, ये दोनों हाथ मैंने मल दिया, कुछ भी नहीं मिला। इससे एक बहुत प्यारी सी पंक्ति याद आ रही मुझे, वो एक रौद्र रस की बहुत प्यारी सी लाइन है कि श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, और लवसील है अपना भूल कर, कर, कर मतलब हाथ, कर तल, तल मतलब ये तल, कर तल युगल मलने लगे, अब देखे शत्रु हमारे रण में मृत पड़े, और करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। ये वही बात है, हाथ मलना, कुछ भी नहीं मिलना, हाथ मलते रह गए, है ना, राम इस बार फिर बाजी मार गया और तुम हाथ मलते रह गए। ये वो वाली बात है, मुंह फुलाना, हनुमान जी वाला मुंह फुलाना, ऐसे वाला मुंह फुला दिए। तो मुंह फुलाना का मतलब क्या होता है, गुस्सा होना होता है। तो ये क्या है, ये स्थिति और क्रिया के ओर अंकित करता है, संकेत करता, अंकित बोल रहा हूं, संकेत करता है। जैसा मैं कहना चाह रहा हूं उसका अर्थ भी वही निकलता है। लेकिन यहाँ पे लोकोक्ति क्या कहता है, लोकोक्ति कहता है कि जीवन के भोगे हुए यथार्थ को व्यंजित करता है। यथार्थ को मतलब क्या होता है, इसको अपन मैं कहूं तो एक्चुअल, इसको मैं कहूं एक्चुअल, यथार्थ मतलब होता है एक्चुअल कोई चीज हो रही हो। तो जो व्यक्तियों ने अपने जीवन में अनुभव किया, किसी के साथ वो चीज गुजरी होगी, मैंने आपसे कहा ना किसी व्यक्ति के साथ कोई ना कोई घटना हुई होगी, और उसी घटना को, उसी सिचुएशन को उन्होंने क्या किया, एक आगे चल के दूसरों तक पहुंचाया और कहा कि भाई जो मैंने गलती की है, या मेरे साथ जो धोखा हो गया, या मेरे साथ जो अच्छी चीज हुई, वो भैया आपको भी ध्यान में रखना है। अगर आपको उस चीज को लेना है तो एक्सेप्ट करो, एडॉप्ट करो, आत्मसात करो, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वो बात है, इसमें कहा कि लोकोक्तियां जीवन के भोगे हुए यथार्थ को व्यंजित करती है, यानी कि किसी ना किसी व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ घटना घटी होगी, और वही घटना क्या है, वही घटना यहाँ पर हम देखते हैं कि निकल कर आता है। जैसे लिखा है कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, यहाँ पर क्या निकल कर आता है कि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना भैया ना कार्य होगा ना कार्य किया जाएगा। फिर लिखा है ओस चाटे से प्यास नहीं बुझती,
मतलब थोड़े से ज्ञान से आपका सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। नाच ना वे आगन तेरा, मतलब जो कार्य कर रहा उसी को गलत, जो मतलब जो माहिर है जो अनुभवी व्यक्ति उसी पे गलती निकाल देना, एक अनुभवहीन व्यक्ति अनुभवी पे गलती निकाल देना, भैया तुम्हें को तुमने तो गलत सिखाया मुझे, ये वो वाली बात है। फिर आता है, फिर आता है कि मुहावरे किसी क्रिया को, मुहावरे किसी क्रिया को पूरा करने का काम करता है। बिल्कुल सही है, मुहावरा जो है किसी भी वाक्य को पूरा करने का काम तो करता है, बिल्कुल सही है, मुहावरा किसी भी क्रिया को पूरा करने का काम 100% करता है। लेकिन वहीं पे क्या बोलता है, लोकोक्ति, लोकोक्ति का प्रयोग किसी कथन के खंडन या मंडन में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि मुझे किसी चीज का खंडन करना है तो भी मैं लोकोक्ति का प्रयोग कर दूंगा। खंडन का मतलब होता है व्यंग्यात्मक बात करना, व्यंग्यात्मक कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता, हमेशा नकारात्मक ही होगा, व्यंग हमेशा नकारात्मक होता है। और मंडन क्या होता है, मंडन सकारात्मक होता है, किसी चीज को बनाने में किसी के हेल्प करना है ना, किसी चीज को आगे बढ़ाने का क्या करना, मदद करना, ये वो वाली बात है। तो लोकोक्तियां इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी निगेटिव, एंड मुहावरा जो है वो भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। ये दोनों भी प्रयोग पे डिपेंड करते हैं कि मैं सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उस व्यक्ति के अनुरूप मैं क्या करता हूँ, मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग करता हुआ नजर आ जाता हूँ। फिर यहाँ पर आता है आपका मुहावरे में क्या कहता है कि मुहावरों से निकलने वाला अर्थ लक्ष्यार्थ तो होता है जो लक्षणा शक्ति से निकलता है। लक्ष्यार्थ होता है यानी कि जब मुहावरा बोला जाता है तो, जब मुहावरा बोला जाता है तो किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखकर प्रयोग किया जाता है। मतलब मेरा जो उद्देश्य है ना, उस उद्देश्य में मैं बात करता हूं, तो मुहावरा जो होता है किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना। मुहावरा बिना उद्देश्य के बोला पढ़ा लिखा नहीं जाता है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगर मैं किसी व्यक्ति को एक मुहावरे के माध्यम से संबोधित कर रहा हूँ, चाहे वो मेरा अर्थ पॉजिटिव हो या मेरा अर्थ निगेटिव हो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा एक लक्ष्य तो है मुहावरे का प्रयोग करने का, मेरा कोई ना कोई अर्थ तो है, वो यही बात यहाँ पर निकल कर आता है, वो यही बात यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं पे लोकोक्ति कहता है कि लोकोक्तियों के अर्थ व्यंजना शक्ति से निकलने के कारण व्यंग्यार्थ के स्तर के होते हैं। ये एक शब्द शक्ति होता है, हिंदी साहित्य में शब्द शक्ति पढ़ाई जाती है। शब्द शक्ति क्या होता है, शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है, एक होता है अभिधा शब्द शक्ति, एक होता है लक्षणा शब्द शक्ति, एक होता है व्यंजना शब्द शक्ति। जहां किसी बात को सीधे कही जाए, जहां किसी बात को सीधे कहा था कि भाई मुझे एक गिलास पानी दे दो, मैंने सीधी बात की, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं, मैंने कहा नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, सीधी बात है, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। लेकिन मैं कहूं कि रवि हमारे कॉलेज का अरिजीत सिंह है, रवि हमारे कॉलेज का अरिजीत सिंह है। अब जो अरिजीत सिंह है वहां पे क्या वो व्यक्तिगत रूप से बात हो रहा, नहीं, मैं एक लक्षण प्रस्तुत कर रहा हूं कि जो रवि है हमारे कॉलेज में बहुत अच्छा गाता है, इतना अच्छा गाता है कि उसे लोगों ने अरिजीत सिंह कहना शुरू कर दिया। लक्षणा शब्द शक्ति, जहां पर लक्षण प्रस्तुत किया जाए, किसी के गुण पे बात की जाए, और जहां पर व्यंग्यात्मक बात की जाए, व्यंग्यात्मक बात मतलब किसी को नीचा दिखाने वाली बात की जाए, किसी को नीचा दिखाने वाली बात की जाए, जो लोकोक्तियों में अक्सर हम पढ़ने को मिलेगा, वो सभी के सभी क्या होते हैं, व्यंग्यात्मक होते हैं, वो कहलाता है आपका व्यंजना शब्द शक्ति। अच्छा, मुहावरे अतिशय पूर्ण नहीं होते जबकि लोकोक्तियां अतिशोक्तियां बन जाती हैं। अतिशोक्तियों का मतलब, अतिशय या अतिशोक्तियों का मतलब क्या हो, इसका मतलब होता है किसी घटना पात्र अंश आदि का वर्णन
पढ़ा चढ़ाकर पढ़ा चढ़ाकर करना, किसी घटना का वर्णन, किसी पात्र का वर्णन, किसी अंश का वर्णन क्या करना, बढ़ा चढ़ाकर करना ही अतिशयोक्ति कहलाता है। जैसे ये एक अलंकार भी होता है, अतिशयोक्ति का अलंकार भी होता है। जैसे एक बहुत प्यारी सी लाइन है कि हनुमान जी की पूछ में लगन ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। कितनी बड़ी बात है, कितनी बढ़ चढ़कर बताई गई कि हनुमान जी की पूछ में आग लगने ही नहीं पाई, पूरी लंका जल गई और सारे निशाचर भागो 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 भागना शुरू कर दिए। तो ये क्या था, ये तो अतिशयोक्ति अलंकार है ना, कि क्या आग लगने नहीं पाई, सारे निशाचर भाग गए, लंका जल गई। या फिर चेतक के बारे में कहा गया कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पर, तब तक चेतक था उस पर। बताइए अतिशयोक्ति अलंकार की बात की कि नहीं, बिल्कुल किया। मैंने कहा एक मिनट में जल ग्रहण कर लू। चलिए, मैंने कहा एक दूसरी लाइन है, एक बहुत प्यारी सी पंक्ति है, कुछ इस प्रकार से है कि बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएंगे सूरज। बताइए अतिशयोक्ति अलंकार है कि नहीं, बिल्कुल है भैया। अगर सूरज देवता अगर क्रोधित हो गए तो जो बाल है ना भाप बन जाने हैं, और वो जो नायिका है ना जो सौंदर्यता का अपना यहाँ पर वो कर रही है वर्णन, वो टकली हो जानी है कि नहीं। यही कहा गया कि लोकोक्तियां भी कुछ ऐसे ही काम करता है, अतिशयोक्तियां बन जाती है। कभी कभी हम किसी चीज का लोकोक्तियों में ऐसा प्रयोग कर देते हैं कि जितना वो व्यक्ति है नहीं उतना उसका हम वर्णन कर देते हैं, उतना हम क्या कर देते हैं बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन हम कर देते हैं। फिर अंतिम अंतर क्या आता है आपका, कि मुहावरे तर्क पर आधारित नहीं होते। मुहावरे जो है वो कभी भी फैक्ट पर बेस्ड नहीं होते हैं, कभी भी नहीं होते हैं। कोई भी मुहावरा फैक्ट पर बेस्ड नहीं होता है, अतः उनके वाच्यार्थ या मुख्यार्थ को स्वीकार नहीं किया जाता। मैंने अभी कहा शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है, जिसमें से एक शब्द शक्ति क्या कहलाता है आपका, उसे कहा जाता है अभिधा शब्द शक्ति। इस शब्द शक्ति को हम क्या कहते हैं, अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। और ये जो अभिधा शब्द शक्ति है, जो मैंने कहा सीधी बात नो बकवास, मिंटोस खाइए और क्या हो जाइए, सीधे हो जाइए। तो ये अभिधा शब्द शक्ति वही चीज है। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, सीधी बात। और इसी अभिधा शब्द शक्ति को ही हम क्या कहते हैं, वाच्यार्थ कहते हैं। इसी अभिधा शब्द शक्ति को ही हम क्या कहते हैं, मुख्यार्थ कहते हैं। यही चीज है। तो यही कहा गया है कि मुहावरा जो है वो कभी भी अभिधा पे काम नहीं करता, वाच्यार्थ पे काम नहीं करता, मुख्यार्थ पे काम नहीं करता। तो भाई साहब जो इन पे काम नहीं करता है तो ये किस पे काम कर रहा होगा, ये काम कर रहा होगा आपका लक्ष्यार्थ पे। किस पे काम कर रहा होगा, लक्ष्यार्थ पे, यानी कि लक्षणा पे काम कर रहा होगा। ये तो पुरानी बात लिखा, जैसे मैंने लिखा ओखली में सिर देना, इसका जो बात लिखा क्या उसका वही अर्थ है, भाई मैंने ओखली में सिर दे दिया। अब अगर ओखली पड़ेगी तो सिर तो बैलून की तरह फट जाएगा। तो भाई ओखली में सिर देना जो बात कह रहा उसका अर्थ वो नहीं निकलना है, उसका कोई और ही अर्थ निकलेगा, लक्षणा कोई और अर्थ निकलेगा, गुण कुछ और है। मैंने कहा घाव पर नमक छिड़कना, अगर मैं अपने घाव पर नमक छिड़क लूं तो समझ रहे भाई साहब यहां से सीधा कश्मीर तक दौड़ लगाऊंगा मैं, जो नमक में घाव में नमक छिड़कूंगा मैं। तो फिर लिखा छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग कौन दलता है भाई, मूंग दलना का मतलब क्या होता है, वो शोले पिक्चर में कहा ना वो आपके धर्मेंद्र जी ने, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, वो वाला कॉन्सेप्ट है। मूंग दलना का मतलब ये होता है। अब इसके आप मुख्यार्थ पे बात नहीं कर सकते, जो लिखा है इसका अर्थ वो कभी भी नहीं निकलता है। ये बिल्कुल कंठस्थ रखिएगा, दिमाग में फिक्स रखिएगा इन बातों को। आई होप चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा है लोकोक्तियां जो होता है, लोकोक्तियां प्रायः कैसी होती है, तर्कपूर्ण होती है, फैक्टफुली होती है, और तर्कपूर्ण नहीं भी होती है। जो लोकोक्तियां हैं वह तर्कपूर्ण होती भी है और नहीं भी होती है, डिपेंड करता है कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने जो तर्कपूर्ण लिखा है, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी कि छल और कपट बार बार नहीं चलता है।
मैंने कहा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, यानी कि कभी भी एक व्यक्ति किसी कार्य को नहीं कर सकता है, जरूर इसमें किसी और का हाथ होगा, एक व्यक्ति ये कार्य को नहीं करा होगा। मैंने कहा आम के आम, गुठलियों के दाम, यानी कि जो वस्तु मेरी बेचने वाली थी वो तो बिक गई, लेकिन जो वस्तु नहीं भी बेचने वाली थी वो भी बिक गई, यानी कि जिसका कोई मूल्य नहीं था वो भी व्यक्ति यार खरीद के चले गए। हमने कहा यह तर्क शून्य होता है, जैसे चछुंदर के सिर में चमेली का तेल, उगाना भी है ना, चछुंदर के सर में चमेली का तेल, कहां राजा बोधर कहां गंगू तेली, नभाए चमेली, वही वाली बात है, कहां राजा बोधर कहां गंगू तेली, तो इसका कोई अर्थ नहीं भी निकलता, इसका कोई भी अर्थ नहीं, बोल दिया कि ये कैसा है, ये तर्कहीन बातें हैं, तर्क शून्य है, इसमें तर्क कुछ भी नहीं है, बस बोल दिया। आम जनमानस में लोगों ने इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया और हमने पढ़ना शुरू कर दिया। अब आइए कुछ यहाँ पर आपके साथ मैं लोकोक्तियां और उसके अर्थ पे बात करता हूँ, क्योंकि एग्जाम में परिभाषाओं के अलावा उसके उदाहरण से भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमें आपको टकराएंगे, हमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो आइए उस पर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर चर्चा करते हुए आते हैं, ठीक है, चलिए आइए। जैसे पहला लिखा है आपके स्क्रीन पर, ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान का मतलब क्या होता है, बाहरी दिखावा अधिक और गुण कर्म कम। इसका अर्थ है आपका बाहरी दिखावा अधिक गुण कर्म कम, यानी कि जो दिख रहा है वो जरूरी सिर्फ आडंबर है, बाहरी दिखावा ज्यादा किया गया, अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर तो पोल है। फिर नीचे क्या लिखा है, अंधा बाटे रेवड़ी फ्री फ्री अपनों को दे। यहाँ पर रेवड़ी का मतलब क्या होता है, रेवड़ी वो नारियल के साथ एक वो मंदिरों में प्रसाद के रूप में मिलती है ना, वो रेवड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे का मतलब क्या है, अपने अधिकार का लाभ अपनों को ही पहुंचाना का अर्थ है, अपने अधिकार का लाभ अपनों को ही पहुंचाना, ये होता है आपका अंधा वाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा है आदमी अंतर कोई हीरा कोई कंकर। आदमी अंतर कोई हीरा कोई कंकर, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब हो जाएगा हर आदमी का गुण स्वभाव दूसरों से भिन्न होता है। इसका अर्थ है हर आदमी का गुण स्वभाव दूसरों से भिन्न होता है। हर आदमी का गुण स्वभाव दूसरों से क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वभाव है, प्रत्येक व्यक्ति के अपने गुण हैं, इसी को हम कहते हैं आदमी अंतर कोई हीरा कोई कंकड़। कोई हीरा है तो कोई कंकड़ है भाई साहब। यहां पे लिखा है तबेले की बला बंदर के सिर। अगली लोकोक्ति यहां पर दिख रहा है, अगली लोकोक्ति कौन सा है, तबेले की बला बंदर के सिर का मतलब क्या होता है, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई। इसका मतलब है अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और, अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई और, ये क्या है आपका, यही कहलाता है आपका तबेले की बला बंदर के सिर, ठीक है। आगे लिखा है थोथा चना बाजे घना।
का मतलब क्या, थोथा चना, बाजे घना का मतलब होता है कम ज्ञान या गुण रखने वाला बातें पढ़ चढ़कर करता है। कम ज्ञान या गुण रखने वाला बातें क्या करता है, बढ़ चढ़कर करता है, इसे कहते हैं थोथा चना और बाजे घना, घन घना घना है ना। फिर लिखा है दमड़ी की बुढ़िया तका सिर मुड़ाई, दमड़ी की बुढ़िया तका सिर मुड़ाई का मतलब है मामूली सी चीज पर उसके रख रखाव या मरम्मत पर ज्यादा खर्च। मामूली सी चीज पर उसके रख रखाओ व मरम्मत, उसके रख रखाओ व मरम्मत पर ज्यादा खर्च। मरम्मत पर ज्यादा खर्च ये कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका दमड़ी की बुढ़िया और टका सिर मुड़ाई, दमड़ी की बुढ़िया और टका सिर मुड़ाई। आगे लिखा है नाचने निकली तो घूंघट क्या, इसका अर्थ है नाचने निकली तो घूंघट क्या का मतलब कोई काम करने में शर्म कैसी, इसका अर्थ है कोई काम करने में शर्म कैसी, कोई काम करने में शर्म कैसी, ये कहलाता है नाचने निकली तो घूंघट क्या। फिर लिखला है बिल्ली के भागो छींका टूटा, दिल्ली बोल रहा हूं, बिल्ली के भागो छींका टूटा का मतलब है जैसा चाहा वैसा हो गया, जैसा चाहा वैसा हो गया, जैसा चाह मतलब जैसा मैं सोच रहा था वैसा हो गया, बोलते चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, बिल्ली के भागो छीका टूटा, जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ, जैसा मैं चाह रहा था वही हुआ भाई साहब। फिर लिखा है यहां पर रानी रूठेगी तो अपना सुहाग लेगी, रानी रूठेगी तो अपना सुहाग लेगी का मतलब क्या है, रूठने से अपना ही नुकसान होता है, रूठने से अपना ही नुकसान होता है, रूठने से अपना ही नुकसान होता है भैया, तो कभी भी रूठना नहीं है, कोई मनाने नहीं आता है तो कभी भी रूठना नहीं, रूठने को रूठने रूठे हुए को कोई मनाता नहीं है। फिर नीचे क्या लिखा है साझे की हांडी चौराहे फूटी, साझे की हांडी चौराहे फूटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी एक व्यक्ति की होनी चाहिए, इसका अर्थ है जिम्मेदारी एक व्यक्ति की होनी चाहिए, नहीं तो होनी चाहिए, नहीं तो सब काम खराब हो जाता है, सब काम खराब हो जाता है, नहीं तो सब काम क्या हो जाता है भाई साहब, खराब हो जाता है।
तो साजे की हांडी चौराहे फूटी। इसके बाद आता है अंडा सिखावे बच्चे को कि चींची मत कर। अंडा सिखावे बच्चे को कि चींची मत कर का मतलब क्या है? छोटा बड़े को उपदेश देता है। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है आपका छोटा बड़े को उपदेश देता है, छोटा बड़े को उपदेश देता है, छोटा बड़े को क्या देता है? उपदेश देता है। ये कहलाता है आपका अंडा सिखावे बच्चों को की चींची मत कर। फिर लिखा है अंडे होंगे तो बच्चे बहुतेरे हो जाएंगे, अंडे होंगे तो बच्चे बहुतेरे हो जाएंगे का मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि मूल वस्तु रहेगी तो उससे बनने वाली वस्तुएं तो प्राप्त होंगी ही। का अर्थ क्या है? का अर्थ है मूल वस्तु रहेगी तो उससे प्राप्त होने वाली वस्तुएं तो रहेंगी ही, तो उससे प्राप्त होने वाली वस्तुएं तो रहेंगी ही। अंडा होंगे तो बच्चे बहुतेरे हो जाएंगे। कभी कभी हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारा जो सिक्स सेंस है, गलत हो जाता है, तो बहुत ध्यान से ऑप्शन को टिक लगाना। इसलिए मैं आपको यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से सिखा रहा हूं मैं। चलिए आगे लिखा है, आगे लिखा है अंत भले का भला। अंत भले का भला का मतलब क्या है? कर भला तेरा भी होगा भला। इसका मतलब है कर भला तेरा भी होगा भला, कर भला तेरा भी होगा भला। कभी कभी बोलते हैं ना कर भला तो हो भला, ये वही चीज है, ये वही चीज यहां पर आ गया कि कर भला तो हो भला। फिर क्या लिखा है? अंधा क्या चाहे दो आंखें। अंधा क्या चाहे दो आंखें का मतलब क्या है? आवश्यक वस्तु की चाह सबको होती है। ये हो जाएगा आपका आवश्यक वस्तु की चाह सबको होती है, आवश्यक वस्तु की चाह सबको होती है। ये याद रखना, अंधा क्या चाहे दो आंखें, जिसकी जो जरूरत है आवश्यक वस्तु उसको तो जरूरत होगी भाई, सबको होती है। फिर क्या लिखा है? अंधा क्या जाने बसंत बहार। अंधा क्या जाने बसंत बहार का मतलब क्या है? जिसने जो वस्तु नहीं देखी वह उसका आनंद नहीं ले सकता। जिसने जो वस्तु नहीं देखी, जिसने जो वस्तु नहीं देखी वह उसका आनंद नहीं ले सकता, वह उसका आनंद नहीं ले सकता, वह उसका आनंद नहीं ले सकता। और एक एक अंतिम पढ़ते हैं आज का, एक अंतिम यहां पर हम बात करेंगे अंधा पीसे कुत्ता खाए। एक अंतिम है अंधा पीसे कुत्ता खाए का मतलब क्या होता है? एक की मजबूरी से दूसरे को लाभ हो जाता है। यहां पे आ जाएगा कि एक की मजबूरी से दूसरे को लाभ हो जाता है, लाभ हो जाता है। एक की मजबूरी से दूसरे को लाभ हो जाता है, उसका मतलब है अंधा पीसे कुत्ता खाए।
तो मतलब क्या हो जाएगा, अंधा पीसे कुत्ता खाए अर्थ निकलेगा, अंधा पीसे कुत्ता खाए निकलेगा। अभी यहाँ पे लोकोक्तियां समाप्त नहीं हुई हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अभी भी यहाँ पे लोकोक्तियां समाप्त नहीं है, अभी बहुत सारी क्लासेस में इसको अभी हमको और अच्छे से सीखना है और अच्छे से जानकारी बटोरनी है। तो अभी यहाँ आज का लेक्चर मैं हाल फिलहाल कंप्लीट करता हूँ और अगले लेक्चर में इसके आगे की क्या करेंगे, हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे और लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ हम निकाल के चलेंगे लोकोक्तियाँ का, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो आई होप आपने इंजॉय किया होगा लोकोक्तियों को मुहावरे के जैसा ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत, यस ऑफिसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।